गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स, दिस इज़ अवर इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट, सो प्लीज़ टेक आउट योर इंग्लिश लिटरेचर बुक एंड ओपन द चैप्टर 3 विच इज़ ऑन पेज नंबर 17. सो दिस इज़ अवर 13th वीडियो इन विच आई विल एक्सप्लेन द चैप्टर एंड वी विल डू द हार्ड वर्ड्स मीनिंग ऑल्सो. सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर let's know the hard words meaning firstly, because it will be helpful for us. So let's start. Influential, influential, prabhavshali, effective, influential, prabhavshali, effective. Dunce, मूर्ख, idiot. Characteristics, विशेषताएं. Characteristics मतलब विशेषताएं. Modesty, नम्रता, meekness. Lax, loose, ढीला. Okay. Next, cope, सामना, face. टर्न द पेज. यूक्लिड, यूक्लिड का मीन्स होता है बेटा कि कोई, ये एक फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने जो है ज्योमेट्री, इन्होंने एक जो है ट्रीटीज लिखा था ज्योमेट्री पे, तो ये उन्हीं के बारे में ये वर्ड यूज किया गया है, उन्हीं के लिए बोला गया है यूक्लिड. ठीक है. अटर, अटर मीन्स होता है पूर्ण, एक्सट्रीम. फ्रेल, अनैतिक, इमोरल. एगिल, चुस्त, पर्की. चुस्त या पर्की. अलूफनेस, अलगाव, आइसोलेशन. डिस्पोजिशन, स्वभाव, नेचर. पैराफ्रेज, विवरण, डिस्क्रिप्शन. स्ट्रोक्ड मीन्स होता है सहलाना या रास. एक्सप्लोटेशन, शोषण, शोकिंग. ओके, चलिए एक्सप्लेन करते हैं. महात्मा गांधीज मार्कशीट मतलब महात्मा गांधी जी की मार्कशीट. तो महात्मा गांधी एक ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति थे हमारे 20th century के, लेकिन अब बात यह आती है कि वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली तो थे 20th century के, हमारे महान, एक महान व्यक्ति थे, व्यक्तित्व थे, लेकिन वो किस तरह के स्टूडेंट थे, किस तरह के विद्यार्थी थे, तो आइए जानते हैं. हमारी ये क्यूरियोसिटी, हम भाई उत्सुक तो होते ही हैं इनके बारे में जानने के लिए, तो आइए आज इनकी ऑटोबायोग्राफी में हम सारे आंसर जानते हैं कि वो किस तरह के विद्यार्थी थे. गांधी जी ने बहुत सारे स्कूल बदले थे 10 साल के पहले पहले उन्होंने बहुत सारे स्कूल बदले, बट स्पेंड 7 years इन अ हाई स्कूल इन राजकोट. लेकिन उन्होंने राजकोट के स्कूल में 7 साल बिताया था. ही टेल्स अस दैट ही वॉज सर्टेनली नॉट रिकॉर्डेड एज अ डंस. वो बताते हैं कि वो ऐसे ही अचानक से जो है एक मूर्ख, उन्हें रिगार्ड नहीं कर दिया गया था, मतलब उन्हें मूर्ख नहीं बताया गया था. उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं प्रोग्रेस के, प्रोग्रेस सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट, वो कभी खराब नहीं थे. उन्होंने बहुत सारे प्राइजेस भी जीते थे 2nd standard में, और स्कॉलरशिप भी मिली थी class 4th और 5th में उन्हें. लेकिन फिर भी उनकी कुछ विशेषताएं हैं, वो बहुत मॉडेस्ट थे, बहुत ही ज्यादा नम्र स्वभाव के थे. डेट वॉज ओनली ड्यू टू लक एंड नॉट मेरिट. और ये वो उनका लक था, वो बाय लक था, ना कि मेरिट थी. कुछ साल बाद उनकी जो अटेंडेंस थी वो कम होती चली गई, यानी कि 238 days में वो सिर्फ 110 days अटेंड किया था उन्होंने स्कूल 3rd standard में. और इसीलिए उनके जो मार्क्स थे एनुअल एग्जाम में वो एवरेज पे आ गया, 45%, 55% इस तरीके से. ही वॉज इवन मेड टू रिपीट अ ईयर. यहाँ तक कि इस तरह की कंडीशन हो गई थी कि उन्हें 1 साल रिपीट भी करना पड़ा था पुअर अटेंडेंस के कारण, क्योंकि उनकी माँ उनके पिताजी बीमार थे और उनकी एक नई वेडेड वाइफ थी, इस कारण से जो है वो रेगुलर स्कूल जा नहीं पाते थे. ही देन बिकम अ सीरियस स्टूडेंट एंड गॉट ओवरऑल स्कोर ऑफ 66.5%. उसके बाद फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया
और उन्होंने 6.5% स्कोर किया था। मैट्रिकुलेशन एग्जाम में उन्हें जो है 404th रैंक मिली थी और वो 799 में से एक सक्सेसफुल कैंडिडेट थे। उनकी मार्कशीट में देखिए, ये मार्कशीट के मार्क्स उनके दिए गए हैं 200 आउट ऑफ 89, 45.5 गुजराती में, मैथमेटिक्स में 56, जीके में 54। ठीक है, उनके एकेडमिक रिकॉर्ड्स जो थे वो थे ये, बट डिड ही कोप इक्वली वेल विथ ऑल द सब्जेक्ट ही हैड टू स्टडी इन हिज ओन वर्ड्स, इंग्लिश बिकम द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन मोस्ट सब्जेक्ट फ्रॉम द फोर्थ स्टैंडर्ड। आई फाउंड माई सेल्फ कम्प्लीटली एट सी, ज्योमेट्री वॉज अ न्यू सब्जेक्ट इन विच आई वॉज नॉट पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग। देखिए, इंग्लिश वगैरह के लिए तो उन्होंने बताया कि वो तो बस एक मीडियम था क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स में वो रहता था, लेकिन ज्योमेट्री जो था वो उनके लिए वो उसमें वो स्ट्रांग नहीं थे, वो उनका वीक सब्जेक्ट था। एंड द इंग्लिश मीडियम मेड इट स्टिल मोर डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम से थे, मीडियम जो माध्यम था पढ़ने का वो इंग्लिश था, तो इसके कारण से वो जो है वो और डिफिकल्ट बना रहा था उस सब्जेक्ट को। टीचर टॉट द सब्जेक्ट वेरी वेल, टीचर तो बहुत अच्छा पढ़ाते थे लेकिन गांधी जी बताते हैं कि वो उन्हें फॉलो नहीं कर पाते थे, और यहां तक कि वो जो है सोचते थे कि मैं वापस थर्ड में चला जाऊं। मतलब उनको वो इतना टफ लगता था कि वो सोचते थे कि मैं वापस से थर्ड में चला जाऊं। बहुत ज्यादा एफर्ट करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद वो जो है वहां तक पहुंचे, और तब जाके वो सब्जेक्ट उनके लिए रिवील हुआ। मतलब तब जाके वो सब्जेक्ट से वो घुल मिल पाए, उसे समझ पाए। वो एक ऐसा सब्जेक्ट जिसे सिर्फ एक सिंपल ट्रिक की जरूरत है, रीजनिंग पावर की जरूरत है, और उसके बाद वो डिफिकल्ट नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद से जब उसे वो समझ गए, वो ये समझ गए कि इस सब्जेक्ट को सॉल्व करने के लिए सिर्फ रीजनिंग पावर चाहिए, तो उसके बाद वो उनके लिए इजी भी बन गया और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी बन गया। संस्कृत एक हार्ड प्रूव्ड मी अ हार्डर टास्क, इन ज्योमेट्री देयर वाज नथिंग टू मेमोराइज वेयर एज इन संस्कृत। उसके बाद उन्हें संस्कृत एक टास्क लगने लगा, क्योंकि ज्योमेट्री में था कि उसमें ऐसा कुछ मेमोराइज नहीं है, लेकिन संस्कृत में था। आई थॉट एवरीथिंग हैड टू बी लर्न्ड बाय हार्ट, फिर उन्हें लगा कि हर चीज याद होनी चाहिए। डिड द फ्रेल बट एगिल, गांधी जी एंजॉय फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट, ठीक है, अनैतिकता, इमोरल, और मतलब गांधी जो फिजिकल एजुकेशन को और स्पोर्ट्स को एंजॉय करते थे हायर क्लासेस में, क्योंकि गांधी जी को स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन तो पसंद था, लेकिन हायर क्लासेस में क्या हुआ कि जो हेडमास्टर थे उन्होंने जिम्नास्टिक और क्रिकेट को कंपलसरी कर दिया बॉयज के लिए, लेकिन गांधी जी को दोनों ही चीजें पसंद नहीं थी। उन्होंने कभी एक्सरसाइज में, क्रिकेट में, फुटबॉल में पार्टिसिपेट किया ही नहीं जब तक कि वो उसे कंपलसरी नहीं बनाया गया। ये उनकी शाइनेस थी, वो कहते थे कि उनको लगता था कि शायद पहले तो उन्हें बिल्कुल पसंद ही नहीं था, उन्हें लगता था कि ये सब चीजें जो है नहीं होनी चाहिए क्योंकि उन्हें पसंद ही नहीं था, वो दोनों ही चीजें पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो है गलत थे, क्योंकि जिम्नास्टिक जो है या फिजिकल ट्रेनिंग जो है आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ही जरूरी है। ठीक है, पहले जब उन्हें पसंद नहीं था तो वो उसे बिल्कुल डिसलाइक करते थे, पसंद ही नहीं करते थे, तो वो उस पर इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते थे, लेकिन उसके बाद उनकी शाइनेस ही कारण थी कि जिस कारण से वो जो है उससे एकदम अलग रहते थे, आइसोलेट होकर रहते थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शर्माते थे। ठीक है, लेकिन अब उन्हें लगता है कि वो गलत थे, क्योंकि भाई जिम्नास्टिक आज के टाइम पे बहुत जरूरी है, फिजिकल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, हमारे पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, गेम्स वगैरह में पार्टिसिपेट करना चाहिए, वी शुड बी ऑलराउंडर ना। ठीक है, एक और रिग्रेट है जो गांधी जी ने फील की कुछ सालों बाद, उन्होंने अपनी हैंडराइटिंग को निगलेक्ट किया था। मतलब उनकी जो हैंडराइटिंग थी वो अच्छी नहीं थी और वो उस पर ध्यान भी नहीं देते थे। ठीक है, बाद में क्योंकि सबका मानना था कि एक जो अच्छा स्टूडेंट होता है उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब पढ़ाई के साथ साथ अगर कोई अच्छा बच्चा है तो उसकी हैंडराइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, और गांधी जी ने इस चीज को हमेशा निगलेक्ट किया, और ये बात उन्हें बाद में रियलाइज हुई कि हैंडराइटिंग का अच्छा होना बहुत जरूरी है। जब वो इंग्लैंड में थे तब उन्होंने इस चीज पे अटेंशन भी दी, मतलब अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने का पर ध्यान दिया, लेकिन जब वो साउथ अफ्रीका में थे तो उन्होंने बहुत सारी ब्यूटीफुल, मतलब बहुत अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग्स देखी अलग अलग लॉयर्स की, तो
तो फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि जो बैड हैंड राइटिंग होती है उसे एक इम्परफेक्ट एजुकेशन का साइन माना जाता है वहां। और फिर वो ट्राई करने लगे, कोशिश करने लगे, और उन्होंने अपनी राइटिंग पर काफी सुधार भी किया। एग्जामिनेशन में गांधी जी की परफॉर्मेंस के अलावा उनके टीचर ने उनके मार्क्स को बहुत ही अच्छे से देखा और उसे एक कॉम्प्लीमेंट्री भी दी कि हाँ उनके मार्क्स बहुत अच्छे थे। और उनकी हैंड राइटिंग, मतलब इंग्लिश पेपर्स के कुछ रिकॉर्ड्स थे जिनमें कि पता जिससे कि पता चलता है कि गांधी जी की हैंड राइटिंग में वाकई में इम्प्रूवमेंट हुई थी। आफ्टर दैट उन्होंने एक ऐसे लिखा था 40 लाइन्स का, 40 लाइन्स के का ऐसे था और टॉपिक था एडवांटेजेस ऑफ चेयरफुल डिस्पोजिशन। तो उस ऐसे से भी पता चलता है कि वो एक उस ऐसे ने उन्हें जो है इनकरेज किया एक रियल पॉलिटिशियन के लिए। एंड देन आफ्टर उन्हें एक डिस्क्रिप्शन लिखने को बोला गया था, एक पोयम लिखने को बोली गई थी कि हाउ जीसस वुड रिवील हिमसेल्फ ओनली टू द पुअर पीजेंट, कि कैसे जीसस जो है पुअर पीजेंट के लिए खुद को रिवील करते हैं और रिच मैन के लिए नहीं। तो उन्होंने वो भी लिखा था। ये सारे जो रिकॉर्ड्स हैं ये एक स्टूडेंट से रिलेटेड हैं जो कि बाद में कितने सारे इंडियंस के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए। ये सारे रिकॉर्ड्स सारे इंडियंस पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालते हैं। और टीचर्स, लॉयर्स, क्लर्क्स, बहुत सारे नेशनलिस्ट हैं, हीरोज़म हैं और सेल्फ सेक्रीफाइस स्पिरिट्स हैं, उन पर भी बहुत इन्फ्लुएंस या बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। इट हैज बीन सेड दैट गांधी जी कुड फैशन हीरोज आउट ऑफ कॉमन क्ले। हिज फर्स्ट एंड अनडाउटेबली हिज मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपीरियंस वॉज विथ हिमसेल्फ। उनका सबसे ज्यादा जो मैक्सिममली ज्यादातर वो ऐसा एक्सपेरिमेंट करते थे जो वो खुद के साथ किया करते थे और वो सक्सेसफुल भी हुआ करते थे। तो निसंदेह उनका जो एक्सपेरिमेंट हुआ करता था और सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हुआ करता था वो खुद के साथ ही हुआ करता था। वो कभी कोई एक्सपेरिमेंट दूसरों पे नहीं किया करते थे, वो हमेशा खुद पर ही एक्सपेरिमेंट किया करते थे। और वो एक ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जो वाकई में बहुत सारे लोगों पर प्रभाव डालते हैं। तो इसके साथ साथ हमें भी ये स्टोरी पढ़ने के बाद हम क्या फील करते हैं कि हमें भी एक ऐसा ही व्यक्तित्व होना चाहिए, एक ऐसी पर्सनालिटी डेवलप करनी चाहिए कि हम खुद को इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि सीखने के लिए या किसी चीज को करने के लिए कोई एज बाउंडेशन नहीं होती। अगर हम आज खराब हैं तो हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसा कि आपने स्टोरी में पढ़ा गांधी जी की हैंडराइटिंग नहीं सही थी तो उन्होंने अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव किया। तो इसी तरह हमें जो कमियां हैं हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उनमें सुधार कर सकते हैं। तो हमें इस स्टोरी से ये सीखना चाहिए कि किस तरह से हमें खुद से ही एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। जो हमें नहीं आता है उसे और ज्यादा अच्छे से करना चाहिए ताकि हम उसे सीख सकें। के स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम अब एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।